जनपद पंचायत उचेहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत महाराजपुर में 65 लाख की लागत से होगा उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत महाराजपुर की, जहाँ आज क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री नागेंद्र सिंह जूदेव ने 65 लाख की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन महाराजपुर में किया। इस अवसर पर विधायक प्रतिनिधि भागवेंद्र सिंह, विकासखंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. राय, सलील सिंह, इसके अलावा लखू गुप्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात एकाम, तुसगमा ग्राम पंचायत के निर्विरोध सरपंच प्रीतेंद्र सिंह प्रीतु बाबा मौजूद रहे। तो हमारे दाऊ साहब यही महाराजपुर भर के लिए नहीं, अभी अमदारी में भी स्वास्थ्य बिल्डिंग बनेगी और करीब करीब 9-10 बिल्डिंगें इस विधानसभा नागौर में। दाऊ साहब ने 100 प्राथमिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग खुलवाया है। अभी हमारे बगल में, हमारे गांव के बगल में भरहुत भी है, बेटा है, अमदारी है, बहुत सारी बिल्डिंगें एक साथ दाऊ साहब ने करवाया है। वहाँ पे भवन निर्मित नहीं है। मानी जी के प्रयासों से आज इस महाराजपुर क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छा बनने जा रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र भवन जन आरोग्य मंदिर के निर्माण के रूप में होगा और यहाँ पदस्थ हमारी CHO श्री कुमारी पूजा वर्मा जो हैं उपस्थित हैं। ऐसे दुर्गम स्थल में और किस तरह से वो कार्य कर रही हैं मैं जानता हूँ। भवन न होने की वजह से इतनी परेशानियाँ होती हैं कि हमें टीकाकरण कराना है, अन्य कार्य करना है, इनके कई एक्टिविटीज़ होते हैं जो प्रभावित हो रहे थे। आज सौभाग्य है कि भवन बनेगा और नए भवन में हमारा कार्य संचालित होगा। जहाँ जहाँ भी इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उन सब के सामने एकमात्र लक्ष्य जो पार्टी ने निर्धारित कर रखा है वो इस देश के प्रत्येक लाइट चली गई क्या? में जीवन बिता सके। अब ये देखने में तो बड़ा छोटा शब्द है आनंद में, लेकिन इसमें सभी चीज समावेश होते हो जाता है और उसका जीवन आनंद में रहे उसके लिए एक नहीं अनेकों काम शासन को करना पड़ता है, करने की आवश्यकता है। उन सभी का उल्लेख करना तो आज यहाँ पर संभव नहीं होगा, लेकिन अध्ययन के बाद जो हमने पाया है कि हम इस देश के जनता को चिंताओं से मुक्त करना चाहते हैं। पहाड़ी इलाका में इसको बोलते हैं परसमनिया पठार। परसमनिया पठार में लगभग 16 पंचायतें हैं। इन साले 16 पंचायतों में जो केंद्र बिंदु हम मानते हैं वो परसमनिया है। परसमनिया में आज से 10-12 साल पहले ही मैंने ही यहाँ पर एक औषधालय खुलवाया था, हॉस्पिटल खुलवाया था, वो आज भी है वहाँ पर और उसके द्वारा जनता को सुविधाएं दी जा रही हैं, सेवाएं की जा रही हैं। जंगली इलाका होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, डॉक्टरों के सामने भी कठिनाइयाँ हैं, उनके रहने की सुविधा भी होते हुए भी, लेकिन उनके बच्चों के पढ़ने के लिए उनके अनुकूल विद्यालय नहीं हैं। उन सब चीज़ कठिनाइयों को देख करके हम कोई ना कोई रास्ता बना रहे हैं, लेकिन अब केवल एक जगह इतनी पंचायतों के बीच में एक औषधालय खुल जाए कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए अब हमने उप स्वास्थ्य केंद्र खुलवा रहे हैं। पहले जहां पर ANM हुआ करती थी कोई व्यवस्था थी नहीं, अब यहां पर अभी चालू हुआ है, शायद 2-3 यहां पर बनने वाले हैं परसमनिया पठार में, कुछ नीचे ऊँचाहरा ब्लॉक के अंदर बनने वाले हैं और इसको और विस्तार करेंगे। इसका हर वर्ष 1 या 2-3 करके इस पूरे क्षेत्र को हम इस योग बनाने की कोशिश करेंगे कि 3-4 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई स्वास्थ्य की सुविधा उनको उपलब्ध हो जाए करे और यहाँ के जो डॉक्टर्स की और जो अन्य सुविधाएं प्रदान करती हैं ANM वगैरह, उनकी भी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, उनकी कोशिश करेंगे।